हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जैनी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कलॉइड के जनरल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्कलॉइड का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अल्कलॉइड की जनरल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं अल्कलॉइड की डेफिनेशन क्या है। अल्कलॉइड आर प्लांट बाय प्रोडक्ट, दे आर बेसिक इन नेचर एंड कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम, यूजुअली इन अ हेटरोसाइक्लिक रिंग, एंड दे यूजुअली हैव अ मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन। अल्कलॉइड प्लांट्स के बाय प्रोडक्ट होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और नाइट्रोजन एटम्स होता है उसके अंदर, हेटरोसाइक्लिक रिंग के अंदर, और इनकी फिजियोलॉजिकल एक्शन होती है, मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन। जबकि सम अल्कलॉइड, यानी कुछ अल्कलॉइड ऐसे भी हैं जो कि बेसिक नहीं होते हैं, जैसे कि कोल्चिसिन, पाइपेरिन एंड क्वाटेरिनरी अल्कलॉइड, जो कि बेसिक नहीं होते हैं। अल्कलॉइड आर प्रोड्यूस्ड बाय अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो अल्कलॉइड्स हैं वो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे अल्कलॉइड प्रोड्यूस होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलॉइड्स क्या है। अल्कलॉइड्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, नॉन वोलाटाइल, सॉलिड। अल्कलॉइड कलरलेस होते हैं, साथ ही साथ क्रिस्टलाइन होते हैं, और ये नॉन वोलाटाइल होते हैं और सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ अल्कलॉइड जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। A few such as coniine and nicotine are liquid. तो जो coniine और nicotine alkaloid है वो liquid form में होते हैं, solid form में नहीं होते हैं ये। A few even colored. कुछ alkaloid colored होते हैं, जैसे कि berberine जो है वो yellow color का होता है। The free bases of alkaloids are insoluble in water but soluble in most of the organic solvents. अल्कलॉइड के जो फ्री बेसिस हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स आर लिवोरोटेटरी, ऑप्टिकली एक्टिव। मोस्ट ऑफ जो अल्कलॉइड्स हैं वो लिवोरोटेटरी होते हैं, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑल्सो अ फ्यू आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, जैसे कि कोनीन, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। और While a few are even optically inactive, लेकिन कुछ अल्कलॉइड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, एग्जाम्पल है पेपेवरिन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जनरली द अल्कलॉइड्स आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव प्रोनाउंस्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अल्कलॉइड जो है वो बिटर टेस्ट के होते हैं, उनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। केमिकली द अल्कलॉइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर एंड प्रेसिपिटेटेड आउट By the common alkaloid reagent. Alkaloid generally basic होते हैं nature के अंदर, ये एक तरह से weak base होते हैं alkaloid, और ये precipitate हो जाते हैं जो कि common alkaloid के reagent होते हैं उनकी help से। Most alkaloids are weak bases. हमने पहले discuss कर लिया कि जो alkaloid होते हैं वो weak base होते हैं, but some such as theobromine and theophylline, जो कि theobromine है और theophylline जो alkaloid है वो एम्फोटेरिक होते हैं। अब यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, कंपाउंड स्पेशली अ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एबल टू रिएक्ट बोथ एज अ बेस और एज एन एसिड। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब किसी कंपाउंड्स या मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड से है, जो कि उसके पास एबिलिटी होती है टू रिएक्ट बोथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है वो, एज अ बेस और एज अ एसिड। मोस्ट अल्कलॉइड हैव अ बिटर टेस्ट और आर poisonous when ingested. तो most of alkaloids जो है वो bitter taste के होते हैं और ये poisonous होते हैं nature के अंदर। Accidentally अगर इनको कोई ingest कर लेता है तो उसके लिए poison होता है। Most alkaloids contain oxygen in their molecular structure. जो alkaloid होते हैं उनके molecular structure के अंदर oxygen होती है, they contain oxygen. Those compounds are usually colorless. तो ऐसे compounds जो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं एट अ एम्बिएंट कंडीशन। तो ये जो है कलरलेस और क्रिस्टल की फॉर्म में कब रहेंगे, एट अ एम्बिएंट कंडीशंस के अंदर। ऑक्सीजन फ्री अल्कलॉइड, जो ऑक्सीजन फ्री अल्कलॉइड्स है सच एज निकोटीन और कोनीन आर टिपिकली वोलाटाइल कलरलेस ऑयली लिक्विड्स। तो जो कोनीन और निकोटीन है वो
वॉलेटाइल होते हैं, कलरलेस होते हैं और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ना कि सॉलिड फॉर्म में। फंक्शंस ऑफ एल्केलॉइड्स कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एल्केलॉइड्स के? दे में एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एज अ रिजर्वायर दे में एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस अगेंस्ट द एनिमल और इंसेक्ट अटैक्स लाइक हॉर्मोन्स, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एनिमल और इंसेक्ट से। प्लांट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उनको ये सुरक्षित रखते हैं। दे मे फंक्शंस एज प्लांट स्टिमुलेंट और रेगुलेटर्स इन एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के लिए जो ये अल्केलॉइड है, ये एक तरह से स्टिमुलेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, रेगुलेटर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है उसको ये रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गई, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। और दे में फंक्शन एज अ डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट बाय मिथाइलेटिंग, कंडेंसिंग एंड साइक्लाइजिंग द कंपाउंड्स। ये एक तरह से डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क करते हैं। ये इसके फंक्शंस है एल्केलॉइड्स के। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।